अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑफसेट प्रोफाइल रिपोर्ट फ्रॉम सिविल 3D टू एक्सेल। जब हम सिविल 3D में सेंटर लाइन के रेफरेंस से कोई ऑफसेट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो हमें उनकी रिपोर्ट भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये रिपोर्ट जब हम सिविल 3D के टूल बॉक्स से प्रोफाइल ऑप्शन से हम रिपोर्ट लेते हैं तो इसमें जो है एक प्रॉब्लम तो स्टेशन की आ जाती है कि ऑफसेट प्रोफाइल के जो स्टेशन है वो सेंटर लाइन से मैच नहीं करते हैं, तो वो लेंथ कम या ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा ये जो एलिवेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है हमें सेंटर लाइन का जो रेफरेंस के हिसाब से ये एलिवेशन रिक्वायर्ड होते हैं कि सेम जो सेंटर लाइन का स्टेशन है उसी पे ये एलिवेशन क्या होगा, हमें वो रिक्वायर्ड होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस रिपोर्ट को सिविल 3D से कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। यहाँ स्क्रीन में जो लास्ट वीडियो में हमने काम किया था कि हमने ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्लॉट किए थे और यहाँ पे हमने प्रोफाइल में जो है इनके बैंड में इनका डाटा जो है, प्रोफाइल जो डिफरेंट हमने क्रिएट की थी उनका डाटा हमने यहाँ पे असाइन किया था और इनको फिर हमने इस प्लान व्यू के जो ये जो पॉइंट है इनके एलिवेशन से हमने कंपेयर किया था। तो ये सारा डाटा यहाँ तक हमारा वेरीफाई हो गया था। आज हमने इसकी जो है वो रिपोर्ट लेनी है। तो रिपोर्ट अगर जो सिविल 3D में बाई डिफॉल्ट यहाँ पे टूल बॉक्स में ये प्रोफाइल प्रोफाइल के ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंटल स्टेशन रिपोर्ट है यहाँ पे अभी अगर आप एग्जीक्यूट करें यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो अगर आप देखें तो यहाँ पे अलाइनमेंट के नेम है आपके पास, ओके, और यहाँ पे इनके स्टार्ट और एंड के स्टेशन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन सब की जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ओके। तो यहाँ पे अभी अगर हम इनको रन करें तो इनके ये जो स्टेशन है वो सेपरेट सेपरेट यहाँ पे आएंगे, जबकि हमें एक सिंगल स्टेशन में इनका सारा डाटा चाहिए। जैसे हमने प्रोफाइल व्यू में यहाँ पे लिया है एक स्टेशन में हमारे क्या क्या एलिवेशन आ रहे हैं, हमें यही रिपोर्ट में चाहिए। तो इसके लिए मैं जो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का यूज़ करूँगा, यहाँ पे ये है, ओके। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये जो इसका इंटरफेस है ये ओपन हो गया है। यहाँ से आपने ये जो अलाइनमेंट के ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जितनी भी अलाइनमेंट है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी हमने अलाइनमेंट को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ अलाइनमेंट का डाटा आ रहा है। जब हम इसके साथ प्रोफाइल सेलेक्ट कर देंगे तो इसके साथ ये एलिवेशन का डाटा भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक कंपेयर टू की ऑप्शन होती है, यही कि हमने इसको कंपेयर करना है इसके साथ और हम यहाँ से इसका डाटा लेंगे। तो यहाँ पे मैं अलाइनमेंट और अलाइनमेंट में हमने जो है मैं लेफ्ट साइड से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एलिवेशन का डाटा नहीं आएगा, आपने यहाँ से प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है ताकि आपके पास अलाइनमेंट और प्रोफाइल दोनों का डाटा यहाँ पे कंपेरिजन में आ जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये लेफ्ट एज की प्रोफाइल आ गई है और यहाँ पे ये जो इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन और स्टेशन ऑफसेट का जो है स्लोप वगैरह जो भी है इसका डाटा यहाँ पे आ गया है। तो इसमें आपको जो भी डाटा रिक्वायर्ड हो, अगर आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग चाहिए तो आप नॉर्थिंग ईस्टिंग भी साथ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इसी को कंट्रोल ए करता हूँ यहाँ पे और कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देता हूँ, यहाँ एक्सेल में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है, ओके। अभी हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है, अगर आप इसमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। ये स्टेशन जो है ये स्टेशन इस स्टेशन से मैच नहीं करेंगे क्योंकि इनकी लेंथ डिफरेंस है, ओके, डिफरेंट है इससे। अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये मैं एक कॉलम यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, ओके। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्थिंग और ईस्टिंग आ रहा है, अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप रख सकते हैं, हमें सिर्फ प्रोफाइल चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये प्रोफाइल का एलिवेशन यहाँ पे आ गया है, ओके। अभी ये जो आगे वाला जो डाटा है, ठीक है, इसमें अगर आपको ऑफसेट चाहिए तो आप ऑफसेट भी ले सकते हैं कि ये प्रोफाइल का जो ऑफसेट है वो कहाँ तक है। हम सिर्फ प्रोफाइल इसमें क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए ऑफसेट वगैरह का डाटा मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा लेफ्ट एज है,
ये हमारा लेफ्ट आउटर एज है, ओके। और इसको मैं यहाँ पे जो है ओके इसको मैंने यहाँ पे ऑटो फिट कर दिया। ये हमारा लेफ्ट एज था। अभी लेफ्ट में हमारी जो दूसरी लेन है हम उसका डाटा ले लेते हैं। सेम प्रोसीजर है, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आ जाना है। पहले हमने कंपेयर में जो है लेफ्ट अलाइनमेंट 9.225 रखा था, अभी हम लेफ्ट 5.475 जो है इसका प्रोफाइल को इधर से ले लेंगे। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ हम एक्सेल में आ गए हैं और यहाँ पे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डाटा हमारे पास आ गया है और ये एलिवेशन जो है इसके यहाँ पे हमारे पास ये आ गए हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओके। और यहाँ पे ये हमारी लेफ्ट लेन 1 है, ठीक हो गया। ये दो लेन का डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अभी ये वाला जो एलिवेशन है इसको मैं यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये हमारा सेंटर लाइन आ जाए यहाँ पे, सेंटर लाइन, ओके। और ये वाले जो दो कॉलम हैं इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये तीन डेटा हमारे रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमारा जो है इनर एज है, लेन 1 है, और फिर हमारा आउटर एज है। तो यहाँ पे ये लेन 1 जो है, ठीक है, ये राइट है, ओके। और यहाँ पे ये जो है राइट एज है, ओके, ये राइट एज है। अभी हमने इसकी जो है वो रिपोर्ट लेनी है। तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ आपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आ जाना है। यहाँ पे अभी हमने अलाइनमेंट जो है, पहले हमारी ये राइट की अलाइनमेंट जो है इसको मैंने यहाँ पे इसका प्रोफाइल असाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने आके कंट्रोल ए किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओके। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ये जो एलिवेशन है ये हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, ओके। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको एक्सेल में जो है पेस्ट कर दिया। ये हमारा यहाँ पे आ गए, ओके। अभी हमारा जो है राइट आउटर एज रह गया है। राइट आउटर एज के लिए भी आपने यहाँ पे जो है इसका ये जो प्रोफाइल है, ओके, ये है। यहाँ से मैंने इसको राइट एज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो है मैंने इसको कंट्रोल ए किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दिया, एक्सेल में आ गए हम लोग, ओके। और यहाँ पे मैंने इसको 1 में आके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये एलिवेशन है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसी शीट में मैंने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, ओके। अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे जो है सारे जो पॉइंट है यहाँ पे ये आ गए हैं, ठीक हो गया। अभी हम जो है इनको कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये कंपेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे अभी अगर हम कोई भी एक यहाँ पे सुपर एलिवेशन का स्टेशन है, ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये मैच करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे प्रोफाइल के एलिवेशन ऑलरेडी जो हमने कैलकुलेट किए थे ये हैं। और यहाँ पे जो है मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पे, इतने एरिया का हम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये ठीक से आया कि नहीं आया, ओके। अभी जैसे यहाँ पे जो है ओके, जैसे ये 320 है, ओके, तो 320 में ये सेंटर लाइन का एलिवेशन है 739.724, ओके, 739.724, ठीक है। अभी हम राइट साइड का इसी का एलिवेशन देख लेते हैं, 739.923 है, 923 है,
और 739.690 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 690 है ये। ओके, इसी तरह यहाँ पे अभी अगर आप देखें 740.039, 740.039, और यहाँ पे अभी अगर आप देखें 739.574, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे एलिवेशन जो है इसके साथ मैच हो रहे हैं। दूसरा कोई स्टेशन देख लेते हैं, यहाँ पे स्टेशन जैसे ये 350 का है, यहाँ पे हमारे पास ये 350 है, 739.044, 739.044, इसी का राइट का देखें तो 739.315, और यहाँ पे ये देखें तो ये 456 है। ओके, यहाँ पे देखें तो ये 456 है। इसी तरह अभी अगर यहाँ पे देखें तो ये 034 है, और यहाँ पे ये 894 है। तो ये प्रोफाइल जो है, ये रिपोर्ट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। आप इसकी हेडिंग वगैरह जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, और अगर आपको इसके ईस्टिंग और नॉर्थिंग चाहिए तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस रिपोर्ट को हम अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।